जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर बासित अहमद डार, दहशतगर्दों की असल साजिश का चला पता। जिस दिन और जिस वक्त और जिस बड़े एक्शन का इंतजार भारतीय सेना को था, वो वक्त वो समय सेना के लिए मंगलवार का दिन रहा। खुशखबरी लेकर आया, न सिर्फ खुशखबरी लेकर आया बल्कि सेना ने अपने साथी की शहादत का बदला भी ले लिया है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीडिया न्यूज। जी हाँ, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के रेडवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। इसी बीच आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। बासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वह कश्मीर में कई लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम फहीम अहमद है। वह ओवरग्राउंड वर्कर था जो आतंकियों की मदद करता था। हालांकि फहीम को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब सवाल ये है कि मुठभेड़ शुरू कैसे हुई और आतंकी कैसे मारे गए, किस तरह से मारे गए। दरअसल सुरक्षा बलों को लश्कर के ठिकानों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सोमवार को संयुक्त बल इलाके में पहुंच गया और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। दरअसल मंगलवार सुबह दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के दौरान सुरक्षा बलों ने उस घर पर ब्लास्ट किया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। इससे घर में आग लग गई। मारे गए दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल के लिए रात 10:30 बजे के करीब जब ग्राउंड की घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, तो एक जगह छिपे आतंकियों को पता चल गया। उन्होंने अपना ठिकाना छोड़ भागने का प्रयास भी किया। उन्होंने जवानों की घेराबंदी तोड़ने के लिए उन पर पहले राइफल और ग्रेनेड दागा और फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से फायरिंग भी की। साथ ही सुरक्षा बलों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया और उसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी को लेकर कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया और उन्होंने जानकारी दी है कि कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है और पुलिस और सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। कश्मीर के पुंछ जिले में गत 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना यानी IS के काफिले पर लगातार हमला कर रहे थे। इससे IS का एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 अन्य जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया हमला शनिवार को तब हुआ जब वायुसेना का काफिला जिले के सुरंगकोट इलाके में सन्नई चौक की ओर बढ़ रहा था। इस हमले में शामिल आतंकवादियों का अब पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल के लिए कुलगाम एनकाउंटर मामले में ये बड़ा अपडेट है जहां पर 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज।